सलूमर व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नए व्लॉग के साथ हम आज का कुछ न्यू लेटेस्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ हरीश जी है और इधर हितेश, ये हमेशा फ़ोन पे वेटिंग रहता है। इसकी बहुत सारी कंप्लेंट भी आ रही है, पर क्या करें। मैं सलूमर से लगभग 15 किलोमीटर इनके गाँव आ गया हूँ, तो भी इनको घर से आने की फुर्सत नहीं है क्या। तो हम आज का कुछ व्लॉग, कहाँ जा रहे हैं आप हरीश जी? नामलेश्वर धोनी जा रहे हैं हम तो। मैं ये व्लॉग पहली बार शूट कर रहा हूँ, मैं पहले कभी वहाँ गया ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत रिस्क का भी मामला है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। बासवाड़ा उदयपुर रोड से आ रहा हूँ। ये रोड है उदयपुर का, उदयपुर हाईवे है और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है श्री नामलेश्वर महादेव की गुफा, तो अंदर ही एक गुफा है, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो बनाओ तो उसमें फोन ही फोन, उसका इतना क्या फोन आता है। तो हम अभी वीडियो से ऊपर जाते हुए, तो आप आगे का कुछ हम आ गए हैं। कहाँ गए हरीश? नामलेश्वर धोनी। हितेश कहाँ गए? इसको हमेशा हंसी आती है, कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि बोलने से प्रैक्टिस होती है। मेरे को कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। आप लोग कमेंट भी करके बताएं, ताकि हमारे व्लॉग में कोई कमी तो नहीं है। तो हमारे व्लॉग के साथ बने रहो। अभी यहाँ कुछ गुफा भी है, तो हम गुफा भी बताएंगे आपको। कहाँ है वो मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और ये गुफा है, सुरंग, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। इस सुरंग में अभी तक तो कोई गया ही नहीं है, लेकिन है, बहुत बड़ी सुरंग है। और ये हितेश कुछ बोलना चाह रहा तो क्या? हितेश तो शर्माता है क्योंकि कैमरा भाई। यार सॉरी यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बोलना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नहीं बोल पाती, सॉरी, माफ करना यार, प्लीज गाइस।
फाइनली हम ऊपर आ गए हैं और ये जो पीछे दिख रहा है ये पानी है, जैस्मिन का पूरा व्यू दिख रहा है, लेकिन ये धूप के कारण आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाए। वो सामने जो वाइट दिख रहे वो आइलैंड रिसोर्ट है। ये कौन सी होटल है हरीश? ये करनी पैलेस है, नई होटल है। और ये पीछे का पूरा व्यू है। ये बारिश के टाइम में यहाँ थोड़ा बहुत हरा भरा दिखता है, अभी क्या सूखा सूखा है। तो आप ये पूरा व्यू देख सकते हो, हम बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे। का ये हमारा पहला वीडियो, जो बहुत टाइम हो गया, टाइम के बाद ये वीडियो आया है, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं इनको कुछ टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि ये अभी खेती में व्यस्त है। अभी क्या पता गेहूं की खेती हो रही है। इन भाई साहबों को तो पता है आपको फ़ोन पे ज़्यादा ही वेटिंग रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो ये ब्लॉग हम छोटा सा अभी बनाया, क्योंकि सलूमर से 15 किलोमीटर आगे ही कौन सी दुनिया है, सामने से धोनी, हाँ, ताकि इनको इतना बोलने के लिए मैं कष्ट उठा रहे हैं, पर लेकिन हमारे ये प्रिय मित्र हैं और ये हमारे हितेश जी, ये हरीश जी। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो हमारे ब्लॉग को कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें कुछ बताए, ताकि हम इसमें कुछ गलतियाँ हो तो हम सुधार सकें। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहो आप, हम अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं कंटिन्यू। अभी हम कटारा वंश की कुल देवी दलाल माता वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहो अभी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा पैदल इधर अभी रोड का काम चल रहा है, माँ नरेगा का काम चल रहा है, ये रोड बना हुआ है। तो इधर हम ऐसे पहाड़ी एरिया में आ गए हैं, यहाँ पे बहुत पुराने मंदिर भी है, तो हम आपको वो पुराने मंदिर भी बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो। अनुभव भी कर सकते हो कि ये बहुत पुराना मंदिर है, क्या पता कितना टाइम है, हम लोगों को भी इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत पुराने मंदिर है पहाड़ी एरिया में। फाइनली हम बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। इतने बड़े बड़े पत्थर भी है यहाँ पे, पीछे देखो ये पानी, जैस्मिन का पूरा पानी फैला हुआ है, और ये पीछे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है। इस पहाड़ी एरिया में बहुत पुराने मंदिर भी हैं, जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। और यहाँ पे दलाल माता जी का मंदिर है, जो
नटारा वंश की कुल देवी है और एक नटारा में ना नटारा का कुछ पता है आपको? हेलो दोस्तों, हमारा व्लॉग द एंड करने का टाइम आ गया है और आज हम व्लॉग बस यहीं तक द एंड करते हैं क्योंकि हमारा बहुत टाइम भी हो गया और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो भी देखो और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हम आगे से आगे आपको व्लॉग के माध्यम से नई नई जानकारी देते रहेंगे हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट व्लॉग है जो तीन वीडियो, अभी ये तीसरा वीडियो बन रहा है। तो हमारा वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज का व्लॉग हम द एंड यहीं तक करते हैं।